देखते शेरवानी का बटन चला गया था, उसी को चबा रहे थे वो। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। कुछ सवाल हैं, कुर्बान जाओ। वो क्या है? हम देखते हैं, आप देखते हैं, अल्लाह नहीं देखता। उन्होंने सवाल किया था कि अली तुम कहते हो कि खुदा हर चीज देखता है, वो क्या है जो खुदा नहीं देखता है? तो हजरत अली ने जवाब दिया था, और वही ये दूसरा यहूदी हजरत अली से पूछा कि अली तू बता, कुरान में हर चीज का इल्म है, लेकिन वो क्या है जो कुरान में नहीं? जानते हो कुरान में हर चीज का इल्म है, वो क्या नहीं है जो कुरान में नहीं है? वो झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोला दमाश। कुरान में झूठ नहीं, कुरान में झूठ नहीं। अब वो क्या है जो हम देखते हैं खुदा नहीं देखता है? वो सपना चिक है। अल्लाह सपना देखता है, अरे अल्लाह सोएगा नहीं, सपना कहां देखे? जो सोएगा वो सपना देखेगा। मेरा अल्लाह सोने से पाक है, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। मेरा अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज। मेरे रब को ना औंग आती है ना नींद आती है। कुर्बान जाओ। तो मौजे शामिल इकराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक वादा करो इंशाल्लाह कि जत देर हमार वक्त वो होबे इंशाल्लाह भारो कोले अपनारा सुनबें और एखान थेके दुआ करे जाबें इंशाल्लाह। कत लोक तैयार आछे इंशाल्लाह दुआ करे जाबें? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, दुआ करके जाएंगे। अच्छा इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान होगा कोई जाने आने का माहौल तो नहीं बनाएगा भाई, कोई जाएगा आएगा नहीं तो आई लगले नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग लगे मोली साहब। बोले बैठो थोड़ी देर और बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ गया, बैठ गया अल्लाह का बंदा, बैठ गया। थोड़ी देर का मेरी तकलीफ खत्म हुई तो मैंने इशारा किया बेटा जाओ। तो नौजवान बोला कि नहीं जाएंगे। बोले कहीं जाएगा? बोले अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वादा कर लिया है कि दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले आमीन। देखाने जेते दुआ होबे कबूल होबे, जेते दुआ होबे मकबूल होबे। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ए मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। तो मेरे भाइयों, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो उन 40ों में से एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो उस मजलिस में दुआ मांगी जाए वहां दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बताता चलूं। उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करता उठाता है, अल्लाह को शर्म आती है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यह हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। और दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूं। तीसरी वजह, उलमा फरमाते हैं ये जो छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, देखिए ये 4 साल का बच्चा मेरे आगे बैठा हुआ है, कुर्बान जाइए, अभी इसे अपने बिस्तर पे होना चाहिए था लेकिन इस जलसे में ये बैठा हुआ है। कुर्बान जाइए, ये बच्चे कौन है जानते हैं? ये बच्चा जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा काफिर का हो, बच्चा मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बेटा माई बहुत अच्छा आवाज बहुत खींच रही है। बच्चा किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा उस दुआ पर, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? मेरे भाई, दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं। उलमा फरमाते हैं कि रात का जब आखिरी हिस्सा होता है, जिसको कहते हैं कि रात 12 बजने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जो बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है। और दुआ की कबूलियत की पांचवी वजह मैं आपको बताता चलूं कि मैं मुसाफिर हूं, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बोले माशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे, एक मरतबा और हाथ उठाइए, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे माशाल्लाह। बस आइए, दुआया कलिमात यहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी माशाल्लाह। ये चैनल वाले बच्चे लोग हैं, ये चैनल लेके जहाँ जहाँ जलसा होता है, पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, पहुंच जाता है। मौजूद सामीन किराम, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को दावत दे दिया कि भाई हम दुकान खोले हैं, रात में दुआ है मेरे घर में, तुम लोग सब आना। तो वो गांव देहात में ऐसा होता है ना भाई, वो दुआ के लिए सब उसके घर पे पहुंच गए, तो बोले ओ मौली साहब बोल हो दुआ कर ले, बोले नहीं मौली साहब का काम नहीं है, दुआ हम करेंगे, आप लोग आमीन बोलना। ठीक है, सबको बैठाया, बोला कि देखो हम नई नई दुकान खोले, और किसी को पता नहीं थे कि दुकान खोला कौन चीज का, कुछ कुछ लोगों को पता था शायद। ये बोला कि भैया देखिए हम दुआ करेंगे, आप लोग खाली आमीन बोलिएगा और कुछ मत बोलिएगा। ये दुआ किया, जिसकी दुकान थी वही दुकानदार दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह खूब बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दिन में भी बिक्री हो। पीछे एक आदमी बोला भैया आमीन कोई मत बोलना, बोले करे हो, बोला अरे वो कफन का दुकान खोला है, सब कफन जाओगे। आमीन कहना दुआया कलिमात है, चंद अशआर में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाह पे बोलता सुभान अल्लाह, आमीन बोलना चाहिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा कहां आमीन बोलना चाहिए, कहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, आमीन ना बोलो हो। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने करके फेंक दो, बोले ना सर रहेगा ना टेब दर्द होगा, आमीन बोलना मेरे बच्चों। गुनाह पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, सब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, आमीन।
बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौजूद सामने किराम एक बादशाह है, एक बादशाह है पूरे मजमे में कहता है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह खड़ा है, बादशाह ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे के अंदर में कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, और जिसका जवाब सही नहीं होगा उसको लोग आपस में मशवरा करने लगे, कोई खड़े मत होना, ये बादशाह का दिमाग ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा जान से मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी दिल्ली जाके खटके खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह साहब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लिए जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह कहा ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला कोई सवाल जी है? अरे सर में बाल नहीं है, सवाल है, टकला का है, हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये नौजवान बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था, इन्होंने कहा कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि सब बाल देते देते घिस गया है, एक कोठो बाल नहीं। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको, इनाम दिया गया। बोला चल ठीक है, मेरा सब बाल घिस घिस देते देते सदका खैरात सदका ज़कात देते देते ये मेरे हथेली का बाल सब घिस गए हैं, अब मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला भैया आप फंसी गलो तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप तक देते देते घिस गया, और आप जो कुछ देते हैं वो हम ही को देते हैं, हम ही लेते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा दिया, एक इनाम दो इनाम दो इनाम इनाम दिया। अब बादशाह का के ठीक है, मेरा तीसरा सवाल आ रहा है, तीसरा सवाल यही है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों को जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो नौजवान ने